गुरुग्राम में बारिश के दिनों में जलभराव की एक बड़ी समस्या है। इस बार भी समस्या से गुरुग्राम वासियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं विधायक सुधीर सिंगला ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को लेकर वो काम कर रहे हैं, इस पर काम चल भी रहा है। जलभराव को लेकर अलग से डिवीजन बनाने पर भी विचार चलने की बात उन्होंने कही। ये डिवीजन पूरे साल जलभराव की समस्या को लेकर काम करेगा। गुरुग्राम के विकास को लेकर विधायक सुधीर सिंगला से बात की है हमारे संवाददाता ने। गुरुग्राम के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी, उनसे बात करते हैं। सर, अभी गुरुग्राम में कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे अतिक्रमण की बात कर लें, जलभराव की बात कर लें, और इसके अलावा भी पॉल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी विधानसभा के मानसून सत्र में भी आपने कई मुद्दों को उठाया और गंभीरता से उठाया, लेकिन सवाल ये है कि समाधान क्या है इन सबका? देखिए, जो हमारा मानसून सत्र हुआ था उसके अंदर मैंने मुद्दा उठाया था जलभराव का। जलभराव के लिए जो अधिकारी हैं वो फिल्म तो ये दिखा देते हैं कि सब हमने साफ कर दिया, सारे ड्रेनेज साफ कर दिए, सारे शिविर साफ कर दिए और इस बार जलभराव नहीं होगा। लेकिन ऐसा हादसा हुआ कि दुर्भाग्यशाल एक व्यक्ति कूद गया, उसके अंदर जो है हमारे अंडरपास के अंदर पानी भरा हुआ था। इसी तरीके से एक शीतला माता के रोड पे जो है 5-5 फुट 6-6 फुट पानी भर गया था। वो इसी तरीके से अंदर काफ़ी जल भरा हुआ था, मैं पानी में भी गया था जल भराव के अंदर, और उसको समस्या को मैंने काफ़ी हद तक रिड्रेस भी किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिस भी तरीके से, या तो जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे शहर में वो, मैं इनको कॉल करता हूँ कि वो आएँ मेरे साथ जुड़ जाएँ वो, के कुछ ताकि इस समस्या से समाधान हमें निजात पा सकें। और इसी तरीके से मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि जो फिल्म की जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है वो अपने मन मुताबिक कर लेते हैं, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो हमेशा दुखद रहता है, तो वो क्लाइमैक्स दुखद ना रहे तो क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि एक अलग से डिवीजन ही होनी चाहिए इस जल भराव को लेकर या जल निकासी को लेकर? देखिए, डिवीजन की बात है करी है आपने, मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा। इस बार मेरे मन में विचार भी है कि इसके ऊपर एक डिवीज़न बना दी जाए इसी तरीके से, और सारे साल इसके ऊपर काम किया जाए वो, और ताकि उसी से जल की समस्या से हल होगा वो। और जो जल भराव की जो समस्या आती है हर बार, वो अगली बार ना आए इस तरीके का प्रयास करने की ज़रूरत भी है और मैं करूँगा भी। और जाम की भी एक बड़ी भारी दिक्कत है, उसके पीछे कारण है अतिक्रमण, ये मुद्दा भी आपने उठाया, तो क्या अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी गुरुग्राम को जल्दी? देखिए, इस बार मैंने उठाया था रेहड़ियों का मुद्दा कि ये शहर रेहड़ियों का शहर हो गया है। रेहड़ियाँ जितनी लिमिटेड रेहड़ियाँ हैं वो तो खड़ी रहें, लेकिन रेहड़ियाँ उससे बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमारे गुरुद्वारे रोड पर भी है, आरवी हॉस्पिटल के पास भी है, आर्यन हॉस्पिटल।